यूपी मिशन में जुटे बिहार सरकार के मंत्री और सन ऑफ अल्लाह नाम से मशहूर मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। दरअसल 25 जुलाई को मुकेश सहनी की पार्टी पूरे राज्य में फूलन देवी की पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाने में जुटी है और इसके लिए मुकेश सहनी खुद वाराणसी में फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण 25 जुलाई को करने वाले थे, लेकिन इससे पहले यूपी पुलिस ने फूलन देवी की बनी मूर्ति को जब्त कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाराणसी पुलिस ने शहर में लगने वाली सभी प्रतिमा को जब्त कर लिया है। पुलिस ने परमिशन नहीं होने की बात कहकर प्रतिमाओं को जब्त किया है। वहीं इस पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ वीआईपी के नेताओं द्वारा थाने में जाकर नारेबाजी भी की गई। बता दें कि इससे पहले मुकेश सहनी ने फूलन देवी पर बयान देते हुए ये कहा था कि फूलन देवी की शहादत को 2 दशक होने को हैं, मगर वो हमारे विचारों और निषाद समाज के संघर्षों में अभी भी जिंदा हैं। वीरांगना फूलन देवी का सपना था कि देश भर के सभी निषाद समाज तथा इसकी उपजातियां एकजुट हों और मिलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ें। हम लोग हमेशा मानते हैं कि फूलन देवी अभी जिंदा है, हमारे सोच में, हमारे विचार में, माता बहन के संघर्ष में फूलन देवी जिंदा है। हमेशा उनको हमने अच्छे समय पे हमेशा याद किया, जहाँ पे हम लोग तकलीफ में होते तो हमेशा उनको याद करते आ रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने हमेशा, उनका सोच था, सपना था कि पूरे भारत के निषाद मछुआरा को एक करें। उन्होंने फूलन सेना बना के पूरे भारत में उन्होंने बहुत सारा काम किया और उन्हीं के विचार पे चलते हुए हमने बिहार में भी हमने मजबूती से संघर्ष किया, हमेशा उनको बताए हुए रास्ते पे हम लोग चले, समाज को जोड़ने का हमेशा काम किया। आज उसी का देन है कि आज हम बिहार सरकार हैं और आज हमारी पार्टी बिहार में एक NDA का हिस्सा है। दूसरी ओर SP कोतवाल प्रवीण सिंह ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है, ऐसे में VIP पार्टी के लोगों के पास ना तो प्रतिमा स्थापना की कोई परमिशन है और ना ही सभा की। ऐसी स्थिति में प्रतिमा का स्थल पर रखना गलत था। पुलिस का कहना है कि ग्रामीण वहां मूर्ति नहीं लगने देना चाहते थे। इलाके के लोगों से VIP पार्टी के लोगों का विवाद होता देख मूर्ति वहां से हटाकर चौकी पे ले जाई गई। संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है।